ये कहानी है एक ऐसे अल्टीमेट गेम की जिसके जरिए आप मूवी के अंदर जा सकते हैं और उस वर्ल्ड में एक हीरो की तरह जी सकते हैं। इस मूवी का नाम है द अल्टीमेट गेम। इस फिल्म की शुरुआत में हमें सीमेन नाम के साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसने एक वर्चुअल रियलिटी का गेम बनाया है। उस गेम के जरिए हम मूवी के अंदर जा सकते हैं और मूवी को एज ए लीड हीरो प्ले कर सकते हैं। वो अपने इस इन्वेंशन को ट्राई करने के लिए खुद मशीन के अंदर जाता है और मूवी शुरू होती है एक पुराने जमाने के रेलवे स्टेशन पर जहाँ पुलिस एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन इस गेम के बारे में सीमेन को सब पता था, इसलिए वो वहाँ जाकर बड़ी स्टाइल में मर्डर की सारी डिटेल पुलिस को दे देता है। वो बताता है कि इसको एक मॉन्स्टर ने मारा है और वो मॉन्स्टर इसी कैरेट के अंदर है। वो सबको खोलकर भी दिखाता है कि उसके अंदर मॉन्स्टर है। वहीं अब सीमेन अपने इस इन्वेंशन से बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो बहुत जल्दी अमीर बनने वाला था। वो इस गेम को खत्म करके तुरंत अपनी वाइफ रेने को बुलाता है और इस गेम को दिखाता है। पहले तो रेने मशीन के अंदर जाने से डरती है लेकिन सीमेन के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। सीमेन उसे ये भी कहता है कि इस आविष्कार की मदद से लोगों को एक नई लाइफ मिलेगी क्योंकि अपनी लाइफ के स्ट्रेस को इससे कम किया जा सकता है और कुछ समय के लिए एक नई लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी रेने इसके अंदर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जैसे मूवीज में वो मॉन्स्टर से बचते बचते घूमते हैं वो ऐसी लाइफ जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीमेन रेने के पास जाता है तो उसे असली रीजन का पता चलता है क्यों रेने उससे गुस्सा हो गई थी, क्योंकि रेने को लगने लगता है कि सीमेन अपनी मैरिड लाइफ से स्ट्रेस में है जिसकी वजह से उसने ये मशीन बनाई है ताकि वो कुछ समय के लिए अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को छोड़कर किसी और की लाइफ को जी सके। रेने उसे ताने देना शुरू कर देती है कि हमारी शादी को एक साल भी नहीं हुआ है और तुम हमेशा उस मशीन से ही चिपके रहते हो, हम कभी भी कहीं घूमने तक नहीं गए हैं। लेकिन सीमेन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है बल्कि ये मशीन तो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है जिसे मैं बना रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे पापा के मना करने के बाद भी तुम्हारा हाथ उनसे क्यों मांगता। असल में रेने के डैड अपनी बेटी की शादी सीमेन से नहीं कराना चाहते थे क्योंकि सीमेन के पास पैसे नहीं थे, वो बहुत गरीब था। अब रेने को भी ये लगने लगता है कि मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ लेकिन फिर भी इसने मेरे पापा के मना करने के बाद भी मुझसे शादी की क्योंकि इसे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था। अब सीमेन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है, इसीलिए वो उसके पास आकर उसे प्यार से समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए या कैसी भी कंडीशन आ जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद रेने भी शांत हो जाती है और दोनों किस करने के बाद इंटीमेट होते हैं। रात को सीमेन फिर उसी मशीन में जाता है और वही मूवी स्टार्ट करता है। वहाँ सीमेन मूवी के लीड हीरो क्रिस्टोफर ली बनता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वहाँ वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है जिसके बाद दोनों साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं एक पुलिस वाला उस मॉन्स्टर को फिर से देखने की कोशिश करता है और गलती से मॉन्स्टर के डिब्बे को खुला छोड़ देता है जिससे वो मॉन्स्टर वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसको वो पुलिस वाला देख लेता है जिससे वो भागकर गेट को वापस बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन मॉन्स्टर उससे अपनी आंखों से उसकी आंखों में देखकर उसे एक अनजान शक्ति से मार देता है। वहीं रियल वर्ल्ड में रहने की रात को आंख खुलती है तो वो सीमेन को अपने बगल में नहीं पाती जिस वजह से वो काफी नाराज हो जाती है। इसलिए अगली सुबह वो सीमेन से ताने भरे शब्दों में बात करती है लेकिन सीमेन को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से रहने का पारा और भी ज्यादा हाई हो जाता है जिसके बाद वो वहाँ से कहीं बाहर घूमने के लिए चली जाती है। वो सीमेन के लिए भी एक कार्ड छोड़कर चली जाती है जिसमें वो अपनी लोकेशन लिख देती है और ये भी लिखती है कि अगर वो आना चाहे तो आ सकता है। लेकिन सीमेन को तो एक अच्छा मौका दिखता है और वो तैयार होकर रहने के पास जाने के बजाय उसी मशीन के अंदर चला जाता है और फिर से वही मूवी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ जब बाकी पुलिस वाले उस मॉन्स्टर को उस बॉक्स में चेक करते हैं तो उन्हें उस मॉन्स्टर के बजाय उसी पुलिस वाले की लाश मिलती है। जहाँ जाकर सीमेन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये कैसे मरा लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वहीं वो लड़की जिसके साथ कल रात वो फ्लर्ट कर रहा था वो वहाँ उसके साथ डिनर करने आती है और वहाँ वो दोनों पहले मर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो वहाँ हो रहे थे। लेकिन सीमेन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहो तो तुम सेफ रहोगी। लेकिन वो लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है कि जब तक तुम मेरे पास हो खतरा हमारे पास ही है। जिस पर सीमेन उसके पास जाकर उससे पूछता है कि मेरे साथ कैसा खतरा। असल में वो मजाक में उससे ये सब कहकर उससे फ्लर्ट कर रही थी जिसके बाद दोनों किस करते हैं। वहीं सीमेन को अपनी वाइफ के आने का पता चल जाता है जिसके तुरंत बाद वो मशीन से बाहर निकलकर सोफे पर जाकर लेट जाता है और बीमार होने का नाटक करता है। और जब रेने उसे आज रात 8 बजे कहीं चलने के लिए कहती है तो सीमेन उसे कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ क्योंकि मेरी आज तबीयत खराब है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। जिसके बाद रात को वो अकेले ही अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती है। रास्ते में वो अपने डैड से बात करने की कोशिश भी करती है लेकिन उसके डैड भी उससे अच्छे से बात नहीं करते जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। इसीलिए तुरंत वो कार से ऊपर वापस सीमेन के पास जाती है लेकिन वहाँ जब वो उसे बेड पर नहीं मिलता तो वो सीधा उस मशीन की तरफ जाती है। वहाँ वो सीमेन को नेक्ट उस मशीन के अंदर देखती है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि मशीन के अंदर सीमेन क्या कर रहा है। रात को फिर सीमेन जब बेडरूम में आता है तो रेने पूछते है कि तुम कहाँ पर थे।
जिस पर सीमन कहता है कि अपने ऑफिस के कुछ पेपर वर्क कंप्लीट कर रहा था। फिर रेने सीमन के सो जाने के बाद उस मशीन के अंदर जाती है और मूवी स्टार्ट करती है। मूवी के अंदर बाकी पुलिस टीम मरे हुए पुलिस वाले का पोस्टमार्टम कर रही होती है ताकि उन्हें पता चल सके कि इसे आखिर कैसे मारा गया है। वही रेने उस लड़की के पति के पास जाकर सब बता देती है कि तुम्हारी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ सो रही थी, लेकिन वो लड़की रेने को चांटा मार वहां से चली जाती है और रेने देखती रह जाती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। वहीं पुलिस टीम को पोस्टमार्टम के बाद भी पता नहीं चलता कि वो आखिर मरा कैसे। उन्हें बस ये पता चलता है कि उसके ब्रेन से मेमोरी इस तरीके से गायब कर दी गई थी जिस तरह ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए चौक को मिटा देते हैं। वहीं वो मॉन्स्टर जो बाहर निकल गया था वो ट्रेन के ड्राइवर पर हमला कर देता है। वहीं रेने उस लड़की से बार बार कहती है कि मेरे पति से दूर रहो और फिर ये भी कहती है कि मुझे ये बेकार की मूवी बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन इतने में ही वो पीछे से मॉन्स्टर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे भी अपनी आंखों के जरिए अनजान शक्ति से मारने लगता है, जिससे वो भी उसी वे में मर जाती है जिस तरीके से वो पुलिस वाला मरा था। लेकिन तभी रेने मशीन से बाहर निकलने का बटन दबाती है और बाहर निकल जाती है, लेकिन उसकी आंखों से खून अभी भी बह रहा था। अगली सुबह सीमियन अपनी वाइफ को एक अलग ही खुशमिजाज रूप में देखता है। वहाँ ब्रेकफास्ट रेने ने ही बनाया था और उसे वो कॉफी पीने के लिए भी कहती है, लेकिन सीमियन का अभी मूड नहीं था इसलिए वो मना करता है। लेकिन फिर भी रेने उसे कॉफी पीने पर जोर देती है, लेकिन वो कॉफी का ग्लास उठा उसी मशीन की तरफ चला जाता है और फिर से वही मूवी लगा देता है। लेकिन तभी रेने वहाँ आती है और मूवी चेंज करके नाइट ऑफ द लिविंग डेड मूवी लगा देती है, जो कि बहुत खतरनाक थी। मूवी के अंदर वहाँ वो लोग एक दूसरे का ही मांस खा रहे थे। सीमियन और उसके साथ कुछ साथी एक रूम में थे और सीमियन को समझ में नहीं आ रहा था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड में क्यों हैं और ये पहले से डिफरेंट क्यों है। सीमियन को फिर कुछ सोचने पर समझ में आ जाता है कि ये रॉन्ग मूवी है, लेकिन वो इस बात की कुछ भी चिंता नहीं करता क्योंकि जब वो चाहे यहाँ से बाहर निकल सकता है। इसीलिए वो ज़ॉम्बीज के आने का वेट करता है ताकि एन मौके पर वो एक हीरो की तरह से वहाँ से बाहर निकल सके। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपने थंब से उस मशीन के स्विच को दबाता है ताकि बाहर निकल सके, लेकिन इतने में रियल लाइफ में रहने उसका थंब एक कटर से काट देती है, जिससे मूवी के अंदर भी उसके हाथ से बाहर निकलने का डिवाइस गायब हो जाता है और सीमियन रहने रहने चिल्लाता रह जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये होता है, रहने इस मशीन की वजह से और अपने हस्बैंड की वजह से बिल्कुल खुश नहीं थी, वो हमेशा परेशान रहती थी और जब उसके पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में चली जाती है। और जब वो अपने हस्बैंड को नेक्ड देखती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये प्लान बनाती है उसे गेम में फंसाने का। तो दोस्तों ये थी द अल्टीमेट गेम मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको भी मौका मिले तो आप कौन सी मूवी के अंदर जाना चाहोगे? और अगर यही सवाल मुझसे पूछा जाए तो मैं हैरी पॉटर का वर्ल्ड कहूँगा, मैं हैरी पॉटर के वर्ल्ड में जाना चाहूँगा। आप कौन सी मूवी के वर्ल्ड में जाना चाहोगे ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।